अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन आज जो है मेरा बच्चा मीरशा वो जो है नहीं ठीक। एक तो जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, ये कोई ना कोई रोज़ चोट लगवा लेते हैं न्यू अपडेट देने के लिए अगली वीडियो में, कि आज फलाना बीमार हो गया, फलाने को चोट लग गई। तो आज कल की वीडियो जो है अपलोड करने के बाद हम लोग जो है बैठे हुए थे, लाइट गई हुई थी और लाइट गई है और इस लड़के ने बैठे बैठे जो है ना अपना दांत तोड़वा लिया। बेड पे जो है इतनी ज़ोर का मुंह मारा है कि वो नीचे वाला दांत ही इसका हिल गया, पूरा अंदर से टूट गया। अब वो इसका निकलवाना पड़ेगा दांत। तो जैसे कुछ आज मेरे दिल नहीं चाह रहा था वीडियो बनाने को, मैं कह रही थी कि आज ना ही बनाऊँ क्योंकि सारा दिन हो गया, इसने बड़ा तंग किया हुआ हमें। तो बच्चे बीमार होते हैं फिर जो है ना बस कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो करो, ब्लैकमेल करते हैं अलग से। आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है? आज बड़ी मज़े की रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे भरे हुए बैंगन। एक तो मैंने यूट्यूब पे एक अपनी वीडियो अपलोड की थी पहले भरे हुए बैंगन की, वो भी बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं, लेकिन वो सिंपल से थे और बहुत मज़े के वो भी बनते हैं बैंगन। लेकिन आज की जो रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो वाले जो बैंगन थे वो डिफरेंट बनाए हैं, आज वाले जो बनाऊँगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। सीधा चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। A few moments later. हाँ जी, तो हमें बैंगन बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है जी बैंगन। बैंगन मैंने लिए हैं यहाँ पे आधा किलो, और बैंगन आपने मीडियम साइज़ के लेने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं लेने, ठीक है। और प्याज है दो लिए हैं मैंने, प्याज मीडियम साइज़ के ही मैंने दो प्याज लिए हैं। अदरक है तकरीबन इतना सा, आपने अदरक ले लेना है, अदरक का पीस। और 10 से 12 जो है लहसुन के हैं, 3 जो है मैंने लेमन लिए हैं, 3 अदद लेमन ले लिए हैं। उसके बाद 5 से 7 हरी मिर्च है, हरा धनिया है, 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, काजू है छोटी वाली जो है हाफ प्याली वो मैंने ली है काजू की। अगर आपके पास काजू नहीं है आप पीनट इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और बादाम है, बादाम भी हाफ प्याली, सेम मैंने सारी जो है जो हमने सारी चीज़ें वो बराबर लेनी है, हाफ ही छोटी वाली प्याली जो है मैंने बादाम की ले ली है, और हाफ से जो है थोड़ा सा कम यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, सौंफ ही है मैंने, ठीक है, हाफ टी स्पून आप ले लें सौंफ, ठीक है। और ये है खशखाश, ये भी छोटी वाली हाफ प्याली ली है, और ये भुने हुए चने हैं। ये सारी चीज़ें हैं, अब हम इनको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो ये सारी चीज़ें हैं, काजू, बादाम, सौंफ, खशखाश और चने, इन सबको हमने पीस लेना है। इन सब चीज़ों को हमने जो है पीस लिया है अच्छे से, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, तो हमने टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक जितना मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें हमने पीस ली हैं। उसके अलावा जो मसाले हमें चाहिए, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1 चाय के चम्मच हल्दी है, 1 चाय के चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच भर के लाल मिर्च है क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए, और ज़ीरा है 2 चाय के चम्मच भर के। ये सारे मसाले ऐड होंगे जी। तो ये जो हमने पीसी थी सारी चीज़ें, बादाम, काजू वगैरह ये सब कुछ, इसको हमने एक बाउल में निकाल लेना है। इसमें 1 चम्मच हमने लहसुन का ऐड किया है, सॉरी 1 चाय का चम्मच लहसुन का ऐड किया ना, और 1/2 चाय का चम्मच हम इसमें अदरक का ऐड करेंगे, और हमने इसमें प्याज ऐड करने हैं, सारे प्याज ऐड कर देने हैं। ये हमने थिक बनाना है, पतला नहीं करना, पहले हम देखेंगे कि कैसा बना है, अच्छा, फिर उस हिसाब से और डाल लेंगे, ठीक है। ये प्याज ऐड कर दिए हैं, और ये पिसे हुए टमाटर थे वो ऐड कर दिए हैं, ये मसाले सारे, और ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि ये ज़्यादा थिक तो नहीं है या बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है। अगर ये थोड़ा सा थिक हुआ तो बाकी का जो प्याज और टमाटर जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से, और इतना थिक काफ़ी है, हमें मज़ीद इसको पतला नहीं करना। और जो ये प्याज और जो टमाटर जो पिसे हुए बच गए हैं इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको भरेंगे इस मसाले को बैंगन के अंदर। अच्छा, हमने इसके अंदर लेमन भी ऐड करने हैं, जो 3 लेमन हमने लिए थे वो हम इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, तो हमने बैंगन को इस तरह से कट लगा लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से हम कट लगाएंगे और इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। ज़्यादा ज़्यादा सा मसाला हम इसके अंदर भरेंगे।
तरह से हमने जो है बैंगन के अंदर मसाला भर लेना है। अब हम बाकी सारे जो बैंगन है इसके अंदर मसाला भरेंगे। बैंगन का जो मसाला है बैंगन के अंदर हमने भर लिया है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है। कढ़ाई जो हमने सिल्वर की ही लेनी है, नॉन स्टिक कढ़ाई हम नहीं लेंगे इसमें। तो अब हम इसमें बैंगन डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने इसको करना है फ्राई। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। दस मिनट हमने इसको फ्राई किया था और दस मिनट के बाद, वालेकुम अस्सलाम, दस मिनट के बाद हमने इसके अंदर जो है प्याज ऐड कर देना है, जो पिसा हुआ था, जो बच गया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और टमाटर भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक दरमियाने साइज का प्याज काटा था और हमने जो है एंड पे वो भी डाल देना है। और हरी मिर्च ऐसे ही साबुत हम डाल देंगे इसके अंदर। अलग जितना बैंगन के अंदर हमने डालना था वो डाल के जो मसाला बच जाएगा, वो जब बैंगन अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे वो एंड पे हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। इसको दम देना है हमने। दम कितनी देर के लिए देना? पाँच। अच्छा, पाँच मिनट के लिए। पाँच मिनट के लिए हम इसको दम देंगे और पाँच मिनट के बाद जो है हमारे जो ये बैंगन है, ये बैंगन का जो नाम है इसको हम बोलेंगे भगारे बैंगन। ये बैंगन आप लाजमी ट्राई करेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। जो इसका मसाला जो बनता है ना, सारी चीज़ें मिक्स हो के, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है मसाला। पाँच मिनट दम देने के बाद हमने इसके अंदर सबसे एंड पे ऐड किया है हरा धनिया और एक लेमन ऐड किया था इसके अंदर। और इसको आपने थोड़ा सा स्पाइसी रखना है सालन को, ये फीका फीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा स्पाइसी रखेंगे। इसके अंदर हमने लाल मिर्च भी ऐड की है, हरी मिर्च भी काफ़ी सारी ऐड की है। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आज की जो ये पूरी रेसिपी है ये बनाई है अम्मी ने, और इस रेसिपी का जो नाम है, इस बैंगनों का नाम है भगारे बैंगन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी रेसिपी। इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है, वीडियो आज की पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इस टाइम, बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।